कि जहाँ पे मस्जिद ढाई गई और जहाँ पे राजीव गांधी के समय ताले खोले गए और वहाँ के जो रामलला की मूर्ति थी उसकी पूजा शुरू हुई, उस जगह से 4 किलोमीटर दूर जगह है, तो बाबरी मस्जिद ढहने का और मंदिर को कोई संबंध क्या है कुछ पता नहीं रहा। अर्थव्यवस्था का जिस गति से विकास होना चाहता मोदी जी नहीं कर पा। महाराष्ट्र की बात करते सारे उद्योग महाराष्ट्र में आने के बजाय गुजरात ले जाए गए। मैंने बड़े विश्वास से आपको चुन के दिया, आपने वोट दिया, वो वोट आपने भेज दिए 50 खोके क्या 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 बात कर रही है। जिस गति से मनमोहन सिंह सरकार के समय में जो का विस्तार हुआ था, विकास हुआ था 10 साल में, उसी गति से अगर मोदी जी अर्थव्यवस्था का विकास करते तो आज हम 3rd नंबर पे होते। हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान जी हैं। चौहान साहब, आपके नवभारत और नवराष्ट्र में आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। और लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पहले चरण का मतदान 19 तारीख को है और आप चूंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति बीच दोनों के बीच घमासान है, आप लोगों का सीटों का बंटवारा हो गया है, महायुति के सीटों में कुछ अभी असमंजस की स्थिति है और महाराष्ट्र का चुनाव धीरे धीरे अब पीक पकड़ रहा है, अब गर्मी आ रही है और मौसम में भी गर्मी है। इस बीच महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियां और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नवभारत और नवराष्ट्र की टीम आपसे चर्चा करेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि इस चुनाव को 2019 और 2024 के चुनाव को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, चुनाव एक बहुत अहम मोड पे, हम देश की स्वतंत्रता के बाद एक बहुत बड़ा अहम मोड़ मैं मानता हूँ, क्योंकि मोदी जी काफ़ी भारी बहुमत से 2 बार चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने। 1984 के बाद इतना भारी बहुमत पहली बार किसी एक पार्टी को मिला था। कांग्रेस पार्टी बहुत ही सिकुड़कर 50 के आसपास रह गई थी और मोदी जी को पूरे 10 साल पूरा फ्री हैंड मिला अर्थव्यवस्था का संचालन करने के लिए, कोई सामाजिक निर्णय लेने के लिए, जनतंत्र को मजबूत या कमज़ोर करने का सारा उनको मौका मिला, विदेश नीति को संभालने का मौका मिला। और ऐसी हालत में परस्पर विरोधी क्लेम्स हो रहे हैं कि मोदी जी कह रहे कि हमने देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, देश बहुत मजबूत हुआ है, देश की विदेश नीति में हमारी अलग पहचान बनी है वगैरह वगैरह उनके क्लेम होते हैं। दूसरी तरफ से विपक्ष का कहना है कि देखिए, अर्थव्यवस्था में आपको सफलता नहीं मिली है, आज आप कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है, सही है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन हमारा कहना है कि अगर अर्थव्यवस्था जिस गति से मनमोहन सिंह सरकार के समय में जो विकास हुआ था 10 साल में, उसी गति से अगर मोदी जी अर्थव्यवस्था का विकास करते तो आज हम 3rd नंबर पे होते। ये बिल्कुल IMF के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, सरकार ने दिए हुए आंकड़े हैं। 1-2 साल में कोविड की अवश्य थे, लेकिन कोविड छोड़कर भी अगर आंकड़े देखें, कोविड के पहले का विकास दर देखें तो विकास दर कम है। आज के अखबार में आपने देखा होगा कि एक विदेशी जो आकलन करने वाली कंपनी है वो कह रही कि भारत का विकास दर इस बार 6.1 रहने की आशंका है। एक तरफ 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, शायद धीरे धीरे 4थी 3रे पे आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, मोदी जी रहे या कोई और भी रहे वो 3रे पे आएगी, जरूर आएगी। लेकिन दूसरी बात जो मोदी जी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था की, अगर बात हम आगे बढ़ाएं कि जब देश 100 साल पूरे करेगा, यानी कि 2047 को हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र होगा, एक डेवलप्ड नेशन होगा। अब कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहेगा कि देश डेवलप ना हो, समृद्ध ना हो, विकसित ना हो, हम सब चाहते हैं। सवाल ये कि कब बनेगा, कब तक बनेगा। पहले तो विकसित राष्ट्र की व्याख्या क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, तो उसके व्याख्या और पैरामीटर्स पूरे ग्लोबली एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड बैंक, IMF ये पूरी अर्थव्यवस्था को बांटती है और असल में अर्थव्यवस्था का पूरा आकार महत्व का नहीं है कि कितना साइज हमारा कितना बड़ा है, तो क्या महत्व का है कि पर कैपिटा GDP आपकी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो ज़्यादा
महत्वपूर्ण है, तभी आप कि देश समृद्ध हो या देश के लोग समृद्ध हो, उसका ये फर्क है। तो देश के लोग समृद्ध तभी होंगे जब उनका पर कैपिटा आए उनका है वो एक स्तर पे चल बढ़ेगा, और जिसके का जिसका वर्गीकरण IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने पूरी तरह से किया है। तो उन्होंने चार हिस्सों में अर्थव्यवस्था को बांटा है पर कैपिटा जीडीपी के आधार पर। एक तो है लोअर इनकम इकोनॉमी, जो कि कुछ $1,150 प्रति व्यक्ति प्रति साल की जो आमदनी होती है उसको लोअर इनकम कहा जाता है। फिर मिडिल इनकम के उन्होंने दो हिस्से किए, लोअर मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम, और चौथा है अपर इनकम। तो हमें आज हम लोअर मिडिल इनकम स्तर पे है, तो उससे हमें अपर मिडिल इनकम पर जाना पड़ेगा, उसके बाद अपर इनकम तक जाना पड़ेगा। अब अपर इनकम की कैटेगरी में 66 देश है, और अगर हम पर कैपिटा देखें तो भारत का पूरे दुनिया के 200 के करीब देशों में 142वां स्थान है, यानी कि 141 देश हमसे पर कैपिटा के माने में ऊपर है। तो हमें 142 नंबर से कम 66 तक आना पड़ेगा। तो ये आंकड़े बिल्कुल प्रमाणित आंकड़े हैं, IMF के हैं, वर्ल्ड बैंक के, कोई हमारे अपने हैं नहीं। तो इसलिए पहले तो व्याख्या करें कि हम अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी या अपर इनकम इकोनॉमी में कब तक पहुंचेंगे। उसका सीधा मानक है कि आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, हर साल आपकी जीडीपी कितनी बढ़ रही है। तो अगर हमें 20 से 47 तक अगर उस स्तर पर पहुंचना है तो सालाना हमको 8-9% विकास दर हासिल करनी पड़ेगी सालाना कंटिन्यूसली, और ये नहीं कि एक आध बार 4% पहुंच गए। आपको चीन ने 90 के दशक में 80 के 90 के दशक में पूरे 10% से ज़्यादा गति से उनका विकास हुआ था, तभी उसी कारण चीन और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार मान 1947-1950 जब चीन आज़ाद हुआ था एक जैसा था, लेकिन आज चीन हमसे 5.5 गुना बड़ा है। इसका कारण है कि 80-90 के दशक में वो 10% ज़्यादा गति से बढ़े थे। सारा किस्सा है कि आपका जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, जो आज की तारीख में अगर 6.1% जो लोग कह रहे हैं उससे आप 20 से 47 तक नहीं पहुंच सकते अपर इनकम इकोनॉमी पे। ये सब आंकड़े का खेल है। साथ ही में अगर देखें कई सारे देखें कि भाई दुनिया के सबसे बड़े अनपढ़ लोग भारत में रहते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं, पूरे देश के अगर बिलो पॉवर्टी लाइन देखें तो, आरोग्य स्वास्थ्य की हालत देखें तो तपेदिक सबसे ज़्यादा लोग यहाँ हैं, दृष्टिहीन लोग सबसे ज़्यादा यहाँ हैं। जो हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अगर हम स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, सामाजिक सुरक्षा पे अगर पूरा हम ध्यान दें तो ये सब आंकड़े कम हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी का ध्यान सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सड़कें, पुल, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, जो ज़रूरी है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, किसान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब मैं देश का विज्ञान और तंत्रज्ञान का मंत्री था 2 साल तक, तो उस समय हम R&D पर अपने पूरी GDP का 1% खर्च करते थे, 1% ऑफ अवर GDP वाज स्पेंट ऑन R&D। और उस समय प्रधानमंत्री को हम मनमोहन सिंह जो कहते थे कि साहब ये एक तो बहुत कम है, आप 2 करिए। और जब साइंस कांग्रेस की मीटिंग January 3 को हर साल होती थी, प्रधानमंत्री खुद जाते थे, तो हम भाषण में लिखते थे कि हमारी कोशिश है कि 1-2% करें, हुआ नहीं क्योंकि और चीज़ें थी, सड़कें बनानी हुई। लेकिन आज वो 0.66 पे आ गए, 1 तो छोड़िए और 2 तो छोड़िए और 0.66 पे आ गए। अब कैसे आप महान राष्ट्र बनेंगे, चीना कहाँ निकल गया है, इसराइल अपनी GDP का 4% R&D पे खर्च करता है, अमेरिका 3 के करीब करता है, साउथ कोरिया 3 के करीब करता है, सारे बड़े राष्ट्र 2-2.5% करते हैं, हम 1 था वो भी कम हो गए। मतलब आपका सारा ध्यान सिर्फ सड़कें, पुल और ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस पर है, ठीक है वो भी ज़रूरी है क्योंकि दिखने में जब तेज ट्रेन चलती है या समुद्री जो सेतु बना है वो दिखता है तो लगता है भी देश विकास कर रहा है। उसमें दूसरी बात भी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप से सामने आई कि भाई इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देने में धंधा लो और चंदा दो और धंधा लो वाली बात भी है।
तो हमारा मतलब मोटे तौर से हमारा ये कहना है कि मोदी जी को जो 10 साल का मौका मिला, उन्होंने एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहिए था, ह्यूमन डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ाने चाहिए थे, हमारी यूनिवर्सिटी का दर्जा अच्छा रखना चाहिए था, वो नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक ही बात की और किसान को एक मतलब मैं तो ये कहता हूँ हमेशा अपने भाषण में कि जो 3 कृषि विधेयकों को मोदी जी को वापस लेना पड़ा बहुत भारी आंदोलन के बाद, मतलब सरकार की नाक रगड़ दी किसानों ने, बहुत अपमानित हुए कि उनको ये वापस लेना पड़ा करके, और उस बात का वो बदला ले रहे किसान से, प्याज पे एक्सपोर्ट बैन कर दिया, चीनी पे एक्सपोर्ट बैन, गेहूं पे एक्सपोर्ट बैन, राइस पे एक्सपोर्ट बैन, मतलब किसान को अगर 2 पैसे मिलने का मौका आता है तो आप उसको मारते थे। आज की तारीख में अगर सोयाबीन की दरें, मैं खुद सोयाबीन भी उगाता हूँ कि गन्ना उगाता हूँ, अगर सोयाबीन का रेट अगर 10 साल पहले जो दर था वही मिल रहा है किसान को, अब मैं तो देवेंद्र फडणवीस की कोई वीडियो है 2014 की सोयाबीन को क्या मिलना चाहिए था, और जब लागत जो उसकी लग रही खाद है बिजली पानी वो खर्चा बेतहाशा बढ़ रहा है, कौन सा धंधा ऐसे है कि जो आपका जो लागत है जो आपका उत्पादन खर्चा है उससे कम दाम में आप माल अगर बेचोगे तो कब तक आपका धंधा चलेगा, आपका अखबार है अगर आप उसको अगर कीमत आधी कर दोगे तो कैसे चलेगा। इस बात तो सही है लेकिन लोकतंत्र में सरकार को यदि जनता का समर्थन है और चुन के आती है तो ऐसा माना जाता है कि सरकार अच्छी काम कर रही है, और सब सारी चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी आप ये उनके खिलाफ एक आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विपक्ष इतना कमज़ोर है जो मोदी जी के इस जो जो भी नीतियाँ हैं जो किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं या एजुकेशन के खिलाफ है, उसका एक आंदोलन जो खड़ा करना चाहिए आप खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, ये इसके बारे में आप कुछ मात्रा में सही है आपका कहना। देखिए पहली बार तो मोदी जी ने 2014 से पहले कुछ घोषणाएं की, गुजरात मॉडल की बात की, अच्छे दिन की बात की, 2 करोड़ नौकरियों की बात की, 15 लाख की बात की, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात की, लोगों ने भरोसा किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से 2014 से 19 तक सरकार ने प्रबंधन किया, नोटबंदी हो, GST हो, या इवन कोविड में जो एकदम लॉकडाउन कर दिया था, सबसे बहुत बुरी तरह से, और विशेषकर GST से छोटा व्यापारी छोटा किसान में बहुत मार पड़ी, और इसीलिए जो मैंने पहले जो बात किया था कि अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई है, एक बार हम किसी को चुनाव में जिता देते हैं तो 5 साल हम कुछ नहीं कर सकते, तो पहला 5 साल का तो समय निकल गया, लोगों ने कहा शायद अब बदल होगा सुधार होगा, 19 के चुनाव में पूरा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा खड़ा किया, अच्छे दिन की बात खत्म हो गई, किसान के दुगने उत्पन्न की बात खत्म हो गई, 2 करोड़ नौकरियों की बात खत्म हुई, अब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की, बालाकोट करके फिर 56 इंच छाती वगैरह सब वो प्रचार हुआ, उसमें फिर जीत गए। तो इसलिए दोनों चुनाव में कुछ आश्वासन दे के कुछ वादे करके वो जीत गए, और लोगों को समझ दिया कांग्रेस की भी गलतियाँ हैं, विपक्ष की गलतियाँ हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब कुछ ठीक किया, एक मोदी लहर सी बन गई थी 2014 में, और बिफोर वी न्यू क्या हो रहा है हम हार गए, बुरी तरह से हार गए। और जैसे मैंने कहा आज संसद में 38 दलों के प्रतिनिधि सांसद हैं, बिखरा हुआ था विपक्ष पूरा, और एक तरफ एक मोदी जी ने गुजरात मॉडल बता के अच्छे दिन बता के और घोषणाएं दी कि सत्ता में तो आ गए भारी बहुमत से आ गए, और हम बिखरे रह गए। तो इसमें गलती तो कांग्रेस की भी है क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष का दल है, 19% वोट हमें दोनों चुनाव में मिले हैं, किसी और दल से बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो कांग्रेस की भी कमियां रही हैं, मान नहीं रहे। तो इसीलिए इस बार ने पहले तो ये कहा कि हम ये बता रहे हैं कि भाई ये सब घोषणा है, सब वादे थे, आश्वासन थे, कौन से पूरे हुए बताइए। अब नेशनल सिक्योरिटी की बात कीजिए, आप क्यों नहीं चाइना की बात करते, क्यों नहीं कहते कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने 2019 के बाद हाथी आई है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हमारे कुछ नहीं लिया, सेटेलाइट की फ़ोटो से आप दिख रहे हैं कि आपकी जमीन में कैंप बन रहे, पुल बन रहे, ब्रिज बन रहे, सड़कें बन रही, आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान जो हमसे बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, 5 गुना छोटी है,
उसको तो आपने लाल आकर दिखा दी। अब चीन जो हमसे 5.5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है उसको आप डर रहे हैं हमसे, तो नेशनल सिक्योरिटी की बात कीजिए, बात नहीं करते आप संसद में, संसद को तो बंद ही कर दिया करीब करीब। तो इस चुनाव का जो मुद्दा है, हाँ विपक्ष का, विपक्ष की विफलता वगैरह मैं बिल्कुल मानता हूँ कि विपक्ष को भारी बड़ा आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन इतना बिखरा हुआ है विपक्ष, आज 5,000 पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे काम कर रही है, हमें जो 2-3 पार्टियाँ जैसे इंग्लैंड अमेरिका की बात करते हैं हम, उस जगह हम नहीं पहुँचे हैं। और इसलिए हमारा इस पर प्रयास ये रहा कि हम इंडिया अलायंस बना के एकास एक उम्मीदवार दे ऐसा प्रयत्न करिए, कि अगर एक के सामने एक अगर दिया तो 1-1 करेंगे तो शायद वोट का बिखराव कम हो जाएगा, ये हमारी कोशिश है। नहीं हुआ, एक से एक पूरा नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, बिहार में तो पता नहीं क्या हुआ, नीतीश जी फिर पलटी मार गए, लेकिन कुछ हुआ है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, 2nd नंबर की जगह, यहाँ पे सांसद है, तो बिल्कुल आइडियल इंडिया अलायंस नहीं बना लेकिन कुछ तो बना है। और लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और भ्रष्टाचार, जिस तरह से एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है पार्टियां तोड़ने में। अब पार्टियां तोड़ना यानी जनतंत्र को तोड़ना है, अगर पार्टियां ही नहीं रहेंगी, एक ही पार्टी रहेगी तो कौन सा जनतंत्र रहेगा, तो लोग ये सब देख रहे हैं। अब जैसे मोदी जी एक दिन कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, 2 दिन बाद उनको आप अपने साथ गले मिलाते हैं, उनको डिप्टी सीएम करते हैं, आदर्श की बात वोट पे करते हैं, और अशोक चौहान अगले दिन पहुंच जाते हैं, लोग ये सब देख रहे हैं। लेकिन किसान के मन में जो आक्रोश है, जो गृहिणी के मन में आक्रोश है भी घर कैसे चलाऊं, जो डिग्री धारक बेरोजगार युवक है उसके मन में जो आक्रोश है कि मेरे पिताजी ने जमीन बेचकर मुझे इंजीनियर बनाया, आज मैं कहाँ हूँ, इसका जवाब उनके पास नहीं है। दूसरी बात है कि हमने जो घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने, वो कर्नाटक पैटर्न पे है। कर्नाटक में हमने कुछ खास सामाजिक सुरक्षा के आश्वासन दिए थे, गारंटी उसको हमने कहा था, गारंटी कार्ड दिया था, और 5 के 5 गारंटी जो हमने कर्नाटक में दी थी पूरी हमने अमल कर दिया उस पर, जिसका बहुत भारी फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए इस चुनाव में कर्नाटक में जहाँ पे उनके मेरे ख्याल से 28 से 27 सीटें थी, अब देखिए क्या होता है वहाँ पर, क्योंकि वी डिलीवर्ड, जो गारंटी हमने दी थी हमने सबके सब गारंटी इम्प्लीमेंट कर दी है, और आपने हमें बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हमने 25 की इसके लिए दी है। अगर गारंटी हम अच्छी तरह से उसका प्रचार कर पाए कि हम जब गारंटी कांग्रेस पार्टी कहती है तो करके दिखाती करेंगे, कोई असंभव नहीं है, कोई मतलब बिल्कुल मोदी जी जैसे 15 लाख लाने वाली जैसे गारंटी नहीं है, तो एक वो बात है। और अगर जहाँ तक हो सके कि काफ़ी मात्रा में डायरेक्ट फाइट हो रहे हैं, पूरे नहीं, 100% नहीं, काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में 6 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। इन सभी राज्यों में हम सोचते हैं कि भाजपा की सांसदों की संख्या कम होगी। अच्छा, कुछ राज्य है जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनकी संख्या इतनी है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं बढ़ने की, कम होने की गुंजाइश, बढ़ने की तो है नहीं। दिल्ली में जैसे उनके 7 थी सीटें, अब की हमारे साथ आने की संभावना है, हरियाणा में 10 नहीं आएंगे उनके। तो अगर स्टेट बाय स्टेट देखिए, पंजाब में भी उनका कुछ होगा नहीं, भाजपा सीटें कहाँ से लाएगी? 400 पार वगैरह तो ठीक है भाई, 500 पार क्यों नहीं कहा, यही मैं आश्चर्य कर रहा हूँ, लेकिन क्या 303 के जो भाजपा का आंकड़ा था, मोदी जी चाहते कि 304 तो आए कम से कम, तो ये कह पाए कि देखो मैंने और इम्प्रूव किया है, लोगों ने मेरी 5 साल पे मोहर लगा दी कि अच्छा है। कि मैं सोचता हूँ कि अगर ये 5-6 राज्यों के आंकड़े देखें तो 250 से ऊपर पहुँचने का मुझे संभावना नहीं लगती। तो उसका मतलब ये है कि अगर 250 तक पहुँच गए तो शायद तोड़फोड़ करके और 25 इकट्ठे करके शायद कोलिशन सरकार बन जाएगी, मोदी जी रहेंगे कि नहीं पता नहीं, हो सकता है कि ना भी बने। देखिए 77 का जो उदाहरण है मैं वो हमेशा देता हूँ, 77 में जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा जी के खिलाफ जनतंत्र बचाने की जंग छेड़ी थी इमरजेंसी के बाद, लोगों को असल लगा था कि शायद इंदिरा जी अब जनतंत्र बहाल नहीं करेंगे,
और बात बन गई। नेता बहुत थे लेकिन कोई चेहरा नहीं था, किसी ने कहा नहीं कि हमारे पास तो इंदिरा जी है, आपके पास कौन है। लोग बहुत थे लेकिन किसी को उन्होंने पीएम का कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया, जीत गए चुनाव, बाद में राज्य बने। तो क्या वही पैटर्न हम यहाँ पे नहीं रेप्लिकेट कर सकते, उसी पैटर्न को हम यहाँ इस बार भी हम नहीं कर सकते। आपके वल्लभ जी जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हाल में बीजेपी में शामिल हुए, तो राम मंदिर के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो स्टैंड लिया, एक तरह से बीजेपी एंटी हिंदू जो होता है उस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस को, तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर में किसी नेता का, कांग्रेस नेता का ना जाना एक गलती थी? देखिए, क्या राम मंदिर का मुद्दा क्या था, मैं कल भी कहीं बोला था, मैंने कुछ तोड़ मरोड़ के भी बातें कही गई है। राम मंदिर एक दो प्राइवेट ट्रस्ट का लीगल डिस्प्यूट था जमीन के ऊपर, दोनों प्राइवेट ट्रस्ट थे, एक हिंदू ट्रस्ट था एक मुस्लिम ट्रस्ट था, बहुत दिनों से कोर्ट में विवाद चल रहा था। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा हम सारे लोग उसको मानेंगे। एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और वो लैंड जो थी हिंदू ट्रस्ट को दे दी। अब उस हिंदू ट्रस्ट ने, जो प्राइवेट ट्रस्ट है, वो सरकार का कोई संबंध नहीं है, उस हिंदू ट्रस्ट ने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे किए राम मंदिर बनाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, और उन्हें राम मंदिर का निर्माण शुरू किया, आधा अधूरा बन गया है, उस पर किसी को कोई आपत्ति की बात नहीं है। बस सवाल ये उठे कि जहाँ पे मस्जिद ढाई गई और जहाँ पे राजीव गांधी के समय ताले खोले गए और वहाँ के जो रामलला की मूर्ति थी उसकी पूजा शुरू हुई, तो उस जगह से ये 4 किलोमीटर दूर जगह है, तो बाबरी मस्जिद ढहने का और इस मंदिर का कोई संबंध क्या है, कुछ कोई बता नहीं रहा है। तो अब 4 किलोमीटर जमीन आपको मिल गई, कोर्ट ने दे दी, आपने मंदिर बांधा, बहुत अच्छी बात है, मंदिर पूरा नहीं हुआ, तो ये सवाल यह कि इसको किसकी आपत्ति है कि राम मंदिर बन रहा है, तो सभी को स्वागत करना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे कराड़ में भी कोई मारवाड़ी समाज के लोग, गुजराती समाज के लोग पैसे इकट्ठे करके एक अच्छा मंदिर बनाते हैं, सब हम लोग जाते हैं उसमें, हिंदू लोग बनाते हैं, मस्जिदें बनती हैं, तो मंदिर बना उस पर ठीक है। कई कंट्रोवर्सी हो गई कि भई ये 4 किलोमीटर दूर है, इसकी ओरिजिनल मूर्तियाँ कहाँ हैं, नई मूर्तियाँ कहाँ से आ गई, फिर अभी मंदिर पूरा बना नहीं है तो क्या उस पर प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, शंकराचार्य ने विरोध किया, वो अलग बात है, कंट्रोवर्सी की बात है। मेरा सवाल है कि इसमें मोदी जी का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है, तो प्राइवेट एक्टिविटी है, या तो मोदी जी कह के नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मैंने प्रभावित किया, तो या तो वो कहें और मैंने नहीं प्रभावित किया तो होता ही नहीं, तो वो तो कह नहीं रहे वो, तो इसका इन्होंने पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश की। इसकी प्राण प्रतिष्ठा असल में किसी शंकराचार्य से होनी चाहिए थी, लेकिन आपने पॉलिटिकल करी, अगर पॉलिटिकल करना है तो राष्ट्रपति जी को उनके हाथों, लेकिन वो संसद भवन में भी देखा आपने राष्ट्रपति को तो इग्नोर कर दिया था, तो इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, जो प्योरली प्राइवेट एक्टिविटी थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब कई लोग कहते हैं बनाई नहीं मंदिर, अभी 2-3 साल और लगेंगे, इतने जल्दी आपने जल्दबाजी, क्योंकि पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए की। अब मोदी जी को मानना था कि जैसे बालाकोट से उनको 6-7% वोटों का फायदा हुआ था, 2019 में जो 31% थे, 2014 में वो 37% हो गए, 6% वोट बढ़ गए, उन्हें लगा कि राम मंदिर से भी ऐसे फायदा होगा, लेकिन हुआ नहीं है। राम मंदिर एक इवेंट था, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई टीवी पे सबने देखा, सबने टीवी पे नमस्ते किया, फिर किसने क्या किया, होगी बात खत्म। तो महाराष्ट्र में तो कोई मतलब ही नहीं है, शायद अयोध्या के आसपास कुछ ज़्यादा प्रभाव होगा। तो देखिए, हमारा जैसे भारतीय नागरिक धार्मिक है, वैसे सेक्युलरिज्म का भी उस पर प्रभाव है, जो संविधान ने दिया है कि भी मजहब धर्म रिलीजन ये आपकी निजी बातें हैं, आपके दिल में रखने की बातें, आपके घर की बातें हैं, आपके समाज पे ग्रुप की बातें, क्योंकि पॉलिटिकल लाभ की बातें नहीं। सेक्युलरिज्म का अर्थ सिर्फ इतना कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होती, रिलीजन अपनी होती है, मैं किसको मानता हूँ, मैं शिव मंदिर में जाता हूँ, राम मंदिर जाता हूँ, कृष्ण भगवान मंदिर जाता हूँ, वो मेरी बात है। लेकिन आपने उसको एक पॉलिटिक्स से जो जोड़ने की कोशिश की, उससे हमें आपत्ति है। तो अब मैं तो समझता हूँ कि किसी को बुला के भाई आप क्यों नहीं जा रही है, तो इमोशनल ब्लैकमेल है, भाई जाऊँ नहीं, मैं जाऊँगा, तय करूँगा। अब मुझे जब
समय होगा या जब मंदिर पूरा जाएगा मैं भी जाऊंगा कि कितना अच्छा बनाए देखने जाएंगे। मैं मानता हूं कि राम मेरे करार के भी मंदिर में है, राम दिल में है मेरे, तो आप ये जो इमोशनल लग रहे कि वहीं जा नहीं जाओगे तो आप एंटी हिंदू है, ये तो आज की सर तो म्हणजे मंदिराचा जो मुद्दा तुम्ही सांगत होते त्यालाच लागून एक माझा प्रश्न असा आहे की गेल्या 10 वर्षामध्ये जे नेते सगळेजण म्हणजे जे विरोधातले नेते जे सेक्युलर होते किंवा जे नास्तिक होते ते अचानक आज आस्तिक झाले। नास्तिक आणि सेक्युलर मध्ये फरक आहे? नाही दोन्ही म्हणजे मी दोन्ही मुद्दा सेक्युलर वेगळा आहे नास्तिक वेगळा आहे दोन्ही शब्द वापरले की पवार साहेब पण कुठेतरी मंदिरात जाताना दिसतात किंवा ते पूजा करतात असं सांगितलं जातं त्याच्यानंतर आपले पण नेते जनीउदारी ब्राह्मण आहेत किंवा हे अशा पद्धतीचे जे स्टेटमेंट देतात तर ही हिंदुत्वाच्या राजकारणाकडे जे भाजपला न्यायचं होतं तिकडे सगळेजण प्रफटत चालले आहेत असं वाटतं। सगळेजण नाही जातात मी जर म्हटल्याने की बहुतेक विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जे फुले शाहू आंबेडकर विचार आहे तो अँटी रिलिजन नाही आहे किंवा अँटी हिंदू बिलकुल नाही आहे, पण आमचं काय म्हणणं आहे की रिलिजनचा वापर तुम्ही लोकांच्यावर अत्याचार करण्याकरता करू नका। आता हिंदू धर्मामध्ये मनुस्मृतीमधून जे आलेले वर्णव्यवस्था जी आलेली आहे त्यामध्ये धर्माचा वापर एक मोठ्या बहुजनांच्यावर अत्याचार करण्याकरता केला, त्याला संविधानाने विरोध केला आणि ते पुसून टाकायचा प्रयत्न केला। तिथे आमचा वाद आहे की तुम्ही धर्माचा वापर एका बहुजनांना किंवा शोषित पीडित लोकांना त्यांना आणखी पीडित ठेवून त्यांना असंच खाली ठेवण्याकरता वापरू नका। राज्यघटनेचा संविधानाचा आत्मा काय? आत्मा आहे की भाई सगळे समान आहेत आणि न्यायाचं त्यांना सगळ्यांना प्रोटेक्शन आहे। तुम्ही धर्माच्या आधारित किंवा इतर कुठल्याही तुम्ही कुठल्या जातीत जन्मला कुठं उत्तरे जन्मला दक्षिणे जन्मला किंवा काय त्याच्यावर तुम्ही भेदभाव करता का? म्हणजे ही त्यातला हा संविधानाचा आत्मा आहे। ते आमचं म्हणणं आहे की भारतीय जनता पक्ष नेमकं त्या उलट्या दिशेनं चाललेला आहे, धर्माचा वापर करून पुन्हा धर्मातून धर्माची व्यवस्था निर्माण करून त्यातून मग तुम्ही पुन्हा काही घटकांना शोषित पीडित करायचा आणि त्यांची पिळवणूक करायचा प्रयत्न करायचा, एवढाच आमचा फरक आहे। धर्माकडे राजकारणाची ऊस बदलत असताना म्हणजे तो नाहीलाच आहे का? काही लोकांना वाटतं की आपण जर दाखवलं नाही की मी फार धार्मिक आहे, काँग्रेसच्या लोकांनी वाटतं की आपण केलं पाहिजे, आपण सेलिब्रेट केलं पाहिजे, दिवाळी केली पाहिजे, आपल्या याच्यामध्ये दाखवलं पाहिजे मोठं, हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे। पण आमचा फक्त मुद्दा एकच आहे की धर्माच्या नावाने तुम्ही राजकारण करू नका। धर्म आणि राज्यसंस्था जी स्टेट आहे त्यामध्ये सेपरेशन आहे पाहिजे आणि धर्म हा व्यक्तिगत निजी बाब आहे। मला जर मोठ्या प्रमाणात धार्मिक कार्यक्रम साजरे करायचा माझा तो वैयक्तिक विषय आहे, पार्टी म्हणून मी ते करणं योग्य नाही। त्याचबरोबर तुष्टीकरणाचा जो आरोप होतो काही ठिकाणी तो कदाचित बरोबरही आहे, काही आमच्या चुकाही झाल्या असतील, पण आज आम्ही जे मांडणी करायचा प्रयत्न करतोय की तो बाबा सेक्युलर स्टेट म्हणजे राज्याचा कुठलाही धर्म नाही, किती मोठी लोकसंख्या असेल मेजॉरिटरिझम हे चुकीचं आहे आणि तरच आपला देश एक महान राष्ट्र होऊ शकतं। तर धर्मावर आधारित आपण जर जे मुस्लिम राष्ट्रामध्ये काही आहे तसं जर आपण त्या दिशेने जायला लागलो तर मग आपलं देश राष्ट्र होणार नाही, कारण हाच हेच राष्ट्र हेच लोक हीच जमीन आपण हजारो वर्ष पारतंत्र्यात का होतो? कारण ही समाजव्यवस्था होती म्हणून होतो, ती समाजव्यवस्था घटनेने बदलली आणि वेगळी समाजव्यवस्था आहे, आज आपण महाशक्ती व्हायला निघालेलो आहे, तर आम्हाला पुन्हा उलट्या दिशेने प्रवास करायचा नाही एवढंच सांगलं। एक प्लान बीजेपी देखो 400 पार मैं तो ये आश्चर्य करूँ 500 पार क्यों नहीं बोला उन्होंने, हमारा तो एक ही उद्देश्य कि उनको 200 से कम तो नहीं हो पाएगा लेकिन 250 से कम तो हमको उनको रखना है ताकि उनको बीजेपी को अलोन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना मिले। हो सकता है कि उन्हें कोएलिशन करनी पड़े, हो सकता है उनकी कोएलिशन ना बने हमारी बने, और हम तो मानते हैं कि अगर सब अच्छा हो गया जो हम आकलन कर रहे हैं वो हुआ तो शायद सत्ता पलट हो सकता है। 272 हमको चाहिए पूरे कोएलिशन मिलाकर जो उनके पास 340 के करीब है, तो मेरे ख्याल 60-70 सीटें कम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे मैंने कहा 6 राज्य में आप गिने तो बहुत कम संख्या होने वाली है, और दूसरी बात ये जो लोगों के मन में जो आक्रोश है महंगाई के बारे में बेरोजगारी के बारे में, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो किसान
महाराज, जिसको मैंने कहा कि किसानों से तो मोदी जी बदला ले रहे हैं, उन्होंने वो तीन विधेयकों का जो विरोध किया, क्या मतलब है कि आप हर एक चीज को आप एक्सपोर्ट बैन कर दीजिए? तो ये अगर बात किसानों तक पहुंच गई कि भैया मोदी जी की नीतियों के कारण हम इस हालत पर हमें आत्महत्या करनी पड़ रही है, तो एक चौंका देने वाले नतीजे आ सकते हैं। तो हमारा तो हम नंबर वंबर तो हम नहीं कहेंगे कुछ जैसे मोदी जी कह रहे हैं 370 पार। 370 पार क्यों? तो 370 इसलिए कि दो तिहाई बहुमत अगर लोकसभा में हो तो आप कुछ भी बदल कर सकते हैं संविधान में, कानून में। दो तिहाई होता है 360 के करीब, तो उन्होंने 370 का आंकड़ा बना दिया। और वो जयप्रकाश हेगड़े ने बोल भी दिया कि हम तो संविधान को बदलेंगे। आज राहुल जी ने भी बोला कि अगर दो तिहाई बहुमत आएगा तो बदल देंगे। देखिए, संविधान में इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है। तो आरएसएस की जो मानसिकता है वो तो आप 1950 के समय तो कहते थे कि भी नए संविधान की क्या आवश्यकता जब हमारे पास मनुस्मृति है, तो एक अलग मानसिकता उनकी है। तो हमें विश्वास है कि अगर हम पूरी बातें जनता तक पहुंचाएंगे तो ये उनका कोई 400 पार की तो बात छोड़िए, 272 भी नहीं हो पाएंगे और शायद सरकार नहीं बन पाएंगे। राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना, म्हणजे महाराष्ट्राचं जर म्हणायचं झालं तर शिवसेनेला जास्त जागा दिल्या गेल्या। देखियो, जगा के बंटवारे की बात थी, अब वो खत्म हो गई है। थोड़ी जल्दी होनी चाहिए थी प्रक्रिया, बहुत देर हो गई। और कुछ सीटों में लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में जगह बंटवारे का काम लिया, जो उनका काम नहीं था। जगह का बंटवारे का काम ये हमारी जो कमेटी बनी थी उन्हीं का था। उसके बाद उम्मीदवार कौन होगा आप कह सकते कि हमारे पास ये सीट आई है, उम्मीदवार ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। कुछ बातें हुई और ये ऐसा भी लगा कि भाई छोटी छोटी पार्टियाँ ये कांग्रेस को वो कर रही है। देखिए, दो बातें हैं कि यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो यहीं पे है, जबकि हमारा शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ बैठा होता है। हमारे कई लेयर्स हैं, हमारी स्टेट कमेटी, फिर उसके बाद और कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, फिर दिल्ली में मुकुल वासनिक जी उनकी एक कमेटी हुई, उसके बाद खड़गे जी, उसके बाद राहुल जी और वो सब, तो कई सारे लेयर हमारे हैं। इसलिए देर लगती है, ज़रूर लगती है। और एक बड़ी पार्टी होने के कारण इसको गठबंधन को बचाना, गठबंधन को कायम रखना जिम्मेदारी हमारी थी। अगर हम कोई बहुत ही कोई हार्ड लाइन देते तो शायद कुछ कोई लोग अगर कहते जो हमें नहीं चाहिए गठबंधन, तो फिर ये ठीक नहीं था। वैसे ही गठबंधन जो हमें उम्मीद की थी पहले दिन इंडिया अलायंस के, वो शायद नहीं टिक पाया। ममता जी का पता नहीं हो सकता था या नहीं हो सकता, लेकिन बंगाल में कठिनाई ये थी कि तीन पार्टियाँ थी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और ममता जी, तीनों एक दूसरे से लड़ते थे, तो वहाँ मुश्किल थी। बिहार का जो आश्चर्य है कि क्या वो पता नहीं कैसे नीतीश जी पलट गए। बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगा है। और केरला में तो कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम दोनों ही पार्टियाँ हैं, बीजेपी का कोई वहाँ पर मतलब ही नहीं है। दक्षिण से, पूरे दक्षिण से बीजेपी साफ हो गई है, कर्नाटक में पता नहीं कितनी ले पाएंगे। तो मैं समझा नंबर तो काफ़ी उनका कम रहेगा और इसलिए सत्ता उलटफेर हो सकता है। तो कांग्रेस ने जो भूमिका ली है माइल्ड है, सॉफ्ट ऐसी लगती है, लेकिन गठबंधन होना अपने आप में एक हमारी जीत होगी अगर हम वोटों का बंटवारा टाल सके। 10 साल का टेन्योर किसी भी पार्टी या दल के लिए एंटी इनकम्बेंसी नॉर्मल फिनोमेनन, बट अभी भी इस सरकार के खिलाफ जो फील्ड से फीडबैक है वो उतना निगेटिव नहीं है। कहें कि जो विपक्षी पार्टियों का दायित्व जिम्मेदारी होती है कि वो एक माहौल क्रिएट करे जिससे जनता में एक जनभावना क्रिएट हो, क्या कहीं कहीं कांग्रेस सैद्धांतिक तौर पे या अपने रणनीतिक तौर पे फेल हुई कि पल्स और एस्पिरेशन जो पब्लिक की है उसको भुना नहीं पाई या वो पकड़ नहीं पा रही आज भी? जिसको एक सब और जोड़ूंगा सर, जो कर्नाटक की बात आपने की, कर्नाटक से तमाम लोगों से फीडबैक लेने पर ये मिलता है कि जो आपने अपने घोषणा पत्र की बात की थी गारंटी की, जो भी मोदी लगातार आरोप लगा रहे हैं और जो कांग्रेस पे चस्पा किया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस कर रही है और उसका नुकसान कांग्रेस को कर्नाटक में भी होगा, तो क्या तुष्टिकरण के चस्पे से आप लोग बाहर निकल पाएंगे, उसके लिए क्या करनी चाहिए? ठीक है, तुष्टिकरण का आरोप करना तो भाजपा की अनिवार्यता है, उनको करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं। मैं समझूंगा कर्नाटक में जो हमने गारंटी दी थी वो एक सामाजिक सुरक्षा जाल, सोशल सेफ्टी नेट हमने दिया था,
उसका आप लाभार्थी कहिए या कोई रेवड़ी बांटने की बात कहिए, लेकिन इट वॉज ए सोशल सेफ्टी नेट जो हमारे देश में एब्सेंट था, जो मिनिमम दे उसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ। उस पर कोई तुष्टिकरण की बात नहीं थी, महिलाओं को दिया था, युवाओं के जैसे कोई जात और धर्म देख के तो दिया नहीं था। अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त सबको दी थी, कोई मजहब देख के तो नहीं देती, धर्म देख के तो नहीं देती, तो वहाँ पे कोई तुष्टिकरण की कोई बात नहीं थी, उसका फ़ायदा हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसको रेवड़ी बांटने वाली आरोप किया जाता है, लेकिन ये एक सामाजिक सुरक्षा जाल का एक भाव था, गरीबी हटाने की बात थी। जो इंदिरा जी के समय से हम घोषणा दे रहे थे, लेकिन उस समय हमारे पास उतनी ताकत नहीं थी, आर्थिक क्षमता नहीं थी जो आज है, या मतलब कुछ दिनों से चली आ रही है। अब उसका पैसे का उपयोग कैसे करें, ये बातें हैं। अब जैसे जीरो अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट की बात है, तो कांग्रेस ने शुरू किया था, आधार कांग्रेस ने शुरू किया था, DBT कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट होते थे होते देर लगती है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की पल्स बिल्कुल लोगों आप समझी है, और जो प्रचार कर रहे हैं वो पूरा इन्हीं 4-5 मुद्दों पर हम कर रहे हैं। देखिए ये आम आदमी की बात है, किसान का आक्रोश, अब देखिए आप कितना आक्रोश है किसान में, और किसान आज समझता है प्याज का अगर एक्सपोर्ट आपने बैन कर दिया तो नुकसान किसको, ठेठ नुकसान किसको होता है। आपने गेहूं का, चावल का, गन्ने का सब दाम रोक दिए, क्यों? क्योंकि आपको महंगाई नहीं बढ़ने देनी, और अगर किसान की कीमतें बढ़ती है तो थोड़ी सी फूड ग्रेन्स की इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिससे RBI फिर वो रेट कम कर ज़्यादा करने में उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये व्यापारी वर्ग जो है उन्हें ब्याज की दरें कम रहने के लिए किसान से कीमत वसूली जा रही है, ऐसा आरोप है। ये दुनिया लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब जो बेरोजगार युवा है उसको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसके घर में क्या हालत है आज, ज़मीन बेच के वो इंजीनियर हुआ है, ज़मीन बेच के वो डिप्लोमा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जिस गति से विकास होना चाहता मोदी जी नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र की बात करते, सारे उद्योग महाराष्ट्र में आने के बजाय गुजरात ले जाए गए, जा नहीं रहे, ले गए। और महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उससे कोई लोग आने नहीं चाहते, रोजगार नहीं बन रहे नए। तो ये हर एक जो हमारा घटक है उसको हम डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं कि बिल्कुल आपकी हालत 10 साल क्या पहले थी, आज क्या, आप क्या खुश है? तो ये आक्रोश जो है वो भयंकर आक्रोश है। आप कह रहे कि 10 साल के बाद एंटी इनकमसी होती है, वो दिख नहीं रही है, शायद दिख नहीं रही क्योंकि मोदी जी भी समझ गए। देखिए हमने पिछले मैनिफेस्टो में 72,000 रुपये देने की बात कही थी, जो कि एक मिनिमम बेसिक इनकम की जो दुनिया में संकल्पना रखी गई है उसके आधार पर हमने ये रखा था, जो मोदी जी ने उठा लिया उसको, 500 रुपये दे रहे हो। तो वो भी समझते हैं कि भाई ये पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी नेट, उसको देना पड़ेगा। आप समृद्ध भारत की बात एक तरफ कर रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को अनाज अगर नहीं देंगे तो वो भूखे मरेंगे, तो कौन सी ये समृद्ध की बात कर रहे हैं? उस पर बहुत विरोधाभास है। आपने फ्री सिलेंडर देने की बात के लिए दिए नहीं, आपने कीमतें बढ़ाई। अब देखिए अर्थव्यवस्था चलाने के लिए लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, आपने कर्जा तिगना कर दिया, 50 बिलियन से पता नहीं 150-200 तिगना चौगुना कर्जा कर दिया। आपने करों से पैसे वसूले किए, 28 लाख करोड़ रुपये सिर्फ डीजल, गैस और पेट्रोल से आपने वसूले, फिर भी आपको देश चलाने में दिक्कत आ रही है, आप सरकारी कंपनियाँ बेच रहे हो। ये तो लोग समझ रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं लोगों को, देखिए अर्थव्यवस्था सही रास्ते में नहीं जा रही है, और तेज़ी से हम विकास कर सकते थे लेकिन नहीं हो रहा है, मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है। तो धीरे धीरे जैसे प्रचार चलेगा वो तो बातें पहुँचेंगी, लेकिन लोगों में अपने आप बहुत आक्रोश है। अब किसान को जब सोयाबीन का दर नहीं मिलता तो उसको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं होती, मंडी में जाता है समझता है कि क्या 10 साल पहले यही मैंने भाव लिया था, अब वही भाव आज है। तो ये आक्रोश तो है, और वो आक्रोश प्रकट होगा वोटिंग के टाइम। जो हुआ है महाविकास आघाड़ी का, वो कांग्रेस की एक बड़ी सफलता है, लेकिन समस्या है कि वोटिंग ट्रांसफर के लिए आपके पास क्या होता है? शिवसेना के जो वोटर है, वही विचारधारा के वोटर है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को समर्थन देंगे? और दूसरी बात यह है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वोट उनमें भी नाराजगी है, तो वो ट्रांसफर कैसे होंगे वोटिंग, उसके लिए आपके पास क्या है? ठीक है, शिवसेना के वोट ट्रांसफर की आप जो बात कर रहे हैं, शिवसेना आज गद्दारों को सबक सिखाने में उनके सारे कार्यकर्ता जुटे हुए। अब गद्दारों को हराना होगा तो कांग्रेस को वोट देने पड़ेंगे, वोट ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो
क्योंकि गठबंधन में जिसको जो सीट मिली उसको हटाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये लड़ाई महायुति और महाआघाड़ी में ऐसी, और वोट का ट्रांसफर पूरा होगा, क्योंकि जो गुस्सा है जिन्होंने, लोग क्या कह रहे हैं मेरे क्षेत्र में हो या कहीं हो, कि हमने बड़े विश्वास से आपको चुन के दिया, हमने वोट दिया आपको विश्वास, वो वोट आपने बेच दिए 50 खो के, क्या 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 बात कर रहे लोग, अब लोग बिलीव करते नहीं है। तो ये तो बात, देखिए आक्रोश तो है, अब देखिए नेता लोग गए हैं, विधायक गए हैं, दो तिहाई गए हैं, लेकिन क्या उनके जो सेकंड लेवल वर्कर्स थे और क्या जो सामान्य आम नागरिक जिसने मत दिए हैं वो भी उनके साथ चले गए क्या, हम नहीं मानते। क्योंकि ये बात अब हो गई, दिमाग में बैठ गई कि भई गद्दारी करके उन्हें पैसे में हमारे विश्वास को बेचा है, तो वो बात फैलाने की बात है, तो वो ट्रांसफर की बात यहाँ रहेगी। मुस्लिम लोग हैं मतदाता, वो शिवसेना को बड़ी मात्रा में वोट दे रहे हैं। एक समय क्या हालत थी, जब ये महागठबंधन हमने जब महाविकास आघाड़ी बनाने की बात रखी थी दिल्ली में 2019 में, तो इतना विरोध हुआ था दिल्ली में, अरे अब क्या करो, तुम महाराष्ट्र से करो, तुम देश की बात करो, केरला के लोग क्या कहेंगे, वहाँ क्या कहेंगे। हमने समझाया कि अनिवार्य था कि बीजेपी को आपको रोकना है, तब फिर शीर्ष नेतृत्व में सबको फ़ोन किया, सब माइनॉरिटी लोगों को फ़ोन किया, बाहर के लोगों को फ़ोन किया, पूछा क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए अगर नहीं बनाओगे तो हम आपको ब्लेम करेंगे, आपने बीजेपी की सरकार बनवा दी करके, तो उसे बनी वो, तो वो ट्रांसफर का मुझे नहीं चिंता कोई। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके जो दो शीर्ष नेता है जो चुनाव के बारे में हार्डवर्क करते हैं, पहले दिन से शुरू कर देते हैं, उसमें कोई हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बात बिल्कुल माननी पड़ेगी। पूरे फोकस्ड है सत्ता में फिर से आने के लिए, पावर एट एनी कॉस्ट उनकी थियोरी है, और मेहनत भी करते हैं, कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। हमारे कुछ नेता है जैसे पवार साहब को देखिए, उनके लोग देखिए, मेहनत करते हैं लोग। कांग्रेस में बहुत लेयर बने हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो इस तरह का जो पैशन है या फायर इन द बेली कहते हैं कि भाई मुझे जीतना ही है, वो शायद नहीं दिखता कांग्रेस में। ये बात हो सकती है कि स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की बात है, और हम बिल्कुल आपका सही आकलन है कि हम अच्छा कर सकते थे। ये गठबंधन का ये सीटों का बंटवारे का फैसला इतनी देर से क्यों हुआ, या दो महीने पहले नहीं कर सकते थे, कोई नई बात तो थी नहीं उसमें, तो ये बात है। लेकिन अब आज की तारीख में जहाँ हम बैठे हैं, अब हम भी आपस में जब अंदरूनी आकलन करते हैं, हम सोचते कि नहीं यार ये सीट कोई दूसरा होता तो अच्छा रहता, ये तो चलता रहता है, हर एक का समाधान करना तो मुश्किल है, और कुछ लोगों का समाधान ही हो तो बाहर जाके वो कुछ बोल रहे हैं, कोई बात है। लेकिन बिल्कुल बात सही है कि बीजेपी जिस तरह से पहले दिन से लगी रहती है, उनका जो पूरी यंत्रणा है, उनका जो RSS का बैकअप है, उनका जो पन्ना प्रभारी है, उनके जो प्रशांत किशोर जैसे लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया था, एक बराब नहीं है कि मोदी जी ने रखा था, तो वो सब तरीके से चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, NRS को यूज़ करते हैं, वहाँ जाके भाषण देते हैं अमेरिका में, तो वो तो सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन देखिए उनको पावर एट एनी कॉस्ट में लगे हुए हैं, और मुझे यही चिंता है कि जिस तरह से पुटिन ने दो टर्म का उनका लिमिट था, दो बारी राष्ट्रपति बनते थे, अपना संविधान बदल के वो बिल्कुल पूरे जिंदगी भर के लिए बन गए, वही चीजिंग पिन नहीं किया, और उसी दिशा में मोदी जी जा रहे कि वो अब उनका तो देखिए 75 साल का कोई लिमिट है, तो क्या मोदी जी कल महाराष्ट्र में आके बताएंगे कि भाई 75 साल में मैं नहीं रहूँगा, बताएंगे तो नहीं, वो तो भाई सत्ता में रहेंगे, और RSS या और कोई कुछ भी कहे वो हमें तैयार रहना पड़ेगा, जीत गए तो वो फिर कुछ भी कर सकते हैं, संविधान बदल सकते हैं, आशंका है। आज देखिए क्या है, संविधान की हालत क्या है, उन्होंने कानूनी तौर से संविधान नहीं बदला है, लेकिन ढांचा वही है, लेकिन अंदर की जान निकाल ली है, पूरी जो जनतंत्र की संस्था है उन्होंने पूरी कैप्चर कर ली है, जो चाहे उनसे आप लिखवा लो। महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं उनको आप नवभारत के माध्यम से अपने माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं, क्या आप प्रचार समिति के भी यहाँ पे मुख्य हैं, तो सीधा हमारे जो YouTube व्यूअर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट चैनल पे जो देख रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं कि जब वो वोट करने जाए तो क्या। ये दो तीन चीज़ें हैं, इस चुनाव का बुनियादी मुद्दा है कि क्या मोदी जी अगर फिर से तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो क्या
सही माने में हमारा जनतंत्र कायम रहेगा जिस दिशा में वो जा रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं कि भैया अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और अगर ऑफिशियल उनको तीसरी बार सत्ता मिलेगी 5 साल के बाद, लिए संसद को किस तरह से चला रहे हैं, विधेयक किस तरह से पारित हो रहे हैं, तो जनतंत्र तो रहा है कि नहीं, इस पर ही आप चर्चा होनी पड़ेगी। तो ये पहला मुद्दा तो चुनाव का ये कि भाई आपको अगर जनतंत्र बचाना है तो मोदी जी को रोकना पड़ेगा। अंतिम सवाल है सर, ये दो बात की आपने प्रशांत किशोर की चर्चा की, उन्होंने एक बयान दिया है 2014-14 से लगातार कांग्रेस हार रही है राहुल जी के नेतृत्व में, 2024 में कांग्रेस को पराजय होती है तो नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए। देखिए आज भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी हैं, चुनाव हुआ था, राहुल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष है, सोनिया जी हमारी पूर्व अध्यक्ष है, उनकी पार्टी में एक मान्यता है, एक आवश्यकता भी है तो लगता है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी में और जनतर तो होना चाहिए, पार्टी में अंदरूनी बात मानता हूँ, लेकिन हमने शुरुआत तो की, हमारा कई दिनों के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव हुआ, खड़गे जी जैसे एक अनुभवी नेता आज अध्यक्ष बना हुआ है, पूरी तरह से बैठ के लोगों को मिल रहे हैं, राहुल जी एक लोगों में जाके एक अपनी चाहे भारत जोड़ो यात्रा वो कुछ कर रहे हैं, तो एक अच्छा डिवीजन ऑफ पावर हुआ है। अच्छा मैं समझता हूँ कि वो तो किसी पद पे तो है नहीं अभी, तो आप कहेंगे 24 में कुछ भी निर्णय होगा तो छोड़ दे, छोड़ने के कहाँ जाएंगे, पार्टी जोड़ छोड़ेंगे, तो किसी पद पे है नहीं। और एक अंतिम सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, हम चूंकि महाराष्ट्र में बैठे हैं, कि उन्होंने 45+ का नारा दिया है, महा विकास आघाड़ी क्या लगता है कि आप इस चुनाव में कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए इस चुनाव में आपको और जो पंडित है पूरे चुनाव के बारे में विश्लेषण करें उनको आश्चर्य होगा। ठीक है 45 चुनाव में ऐसी बातें कही जाती है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि 48 क्यों नहीं कहा उन्होंने, 45 पे क्यों रुके वो, लेकिन इस बात में जिस तरह का गठबंधन हुआ है, मैंने जो देखा है 3 पार्टियाँ इकट्ठे आकर क्या नतीजा आता है, वो हमने पश्चिम महाराष्ट्र के स्थानिक इकाइयों के जो चुनाव हुए थे, MLC के चुनाव हुए थे, कभी भी हम जीते नहीं थे पुणे की सीटें, ग्रेजुएट और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन आप जीत गए। आपने कस्बा का चुनाव देखा होगा, कभी जीते नहीं थे, कोल्हापुर का बाई इलेक्शन देखा होगा, मतलब तीनों दलों में बहुत ज़्यादा ताकत है, किसी भी क्षेत्र में जाइए चाहे तीनों पार्टियां पावरफुल हैं, लेकिन कोई ना कोई 2 पार्टियां पावरफुल हैं जो वोट हम कर ऐड होंगे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी आश्चर्यजनक नतीजे होंगे। अभी नागपुर की एरिया की जो 5 सीटें चल रही बहुत अच्छे वहाँ से रिपोर्ट आ रहे हैं, हमारे नांदेड़ लातूर के अच्छे रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे कोल्हापुर वगैरह के अच्छे रिपोर्ट्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी मेजॉरिटी तो आएगी जरूर, मतलब आधे से ज़्यादा तो डेफिनेटली आएंगे, अब कितने ज़्यादा आते हैं, भाजपा की जो 23 जगह थी पिछले चुनाव में उससे वो कम हम जरूर कम करेंगे, उसमें कोई देखा नहीं। ठीक है अगर जरंगे पाटिल ने ऐलान किया जो उन्होंने किया है कि भाई इस सब सारी घपलेबाजी के लिए सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी जिम्मेदार है, और देवेंद्र फडणवीस जी का उम्मीदवार या उनकी पार्टी के उम्मीदवार को हराओ, इस तरह का उन्होंने जो नारा दिया वो अगर अच्छा चले तो उसका हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि इन्होंने बहुत घपलेबाजी की है। सबसे पहले 2014 में मैं जब मुख्यमंत्री था तब हम मराठा आरक्षण का कानून हमने अध्यादेश के माध्यम से लाए थे, और मुस्लिम कम्युनिटी के जो पिछड़े हैं उनके जो पिछड़ी जाति है उनको हमने ढूंढ निकाला था, और उन 50 पिछड़ी जातियों के लिए 5% आरक्षण रखा था, जो हाईकोर्ट ने मान नहीं किया था, लेकिन इन्होंने वो अध्यादेश को पारित नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि मराठा आरक्षण में हमारा तो योगदान समझना पड़ेगा, 50-60 साल के बाद पहली बार, ये मांग तो बहुत पुरानी है, 1902 में चाऊ महाराज ने पहली बार कोल्हापुर संस्थान में आरक्षण दिया था जिसमें मराठों को भी पिछड़ा माना था, उसके बाद पहली बार हमने कुछ पहल उठाई, पहली बार मेरी सरकार ने आघाड़ी सरकार ने तो मैं मुख्यमंत्री था मराठा को आरक्षण दिया, वो उन्होंने नहीं टिकाया, तो हम तो ओरिजिनल ने ये मुद्दा फिर से उठाया जो 60 साल से डॉर्मेंट था, तो लोग तो उसकी तरफ देखेंगे किस तरह से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नवभारत के लिए इतना टाइम दिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।